अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास, होप यू आर ऑल फाइन। ओके नाइन क्लास, टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज़ वेजिटेशन। आज हम पढ़ेंगे कि वेजिटेशन क्या होती है एंड अगेन वी विल स्टडी अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन मीन्स के इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है। वेजिटेशन बेसिकली होती क्या है, वेजिटेशन कहते हैं फॉरेस्ट को, जंगलों को। वो कौन कौन से जंगल पाकिस्तान के किन इलाकों में पाए जाते हैं, कौन से दरख्त पाकिस्तान के किन इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं और इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, दरख्तों की जंगलों की इम्पॉर्टेंस क्या है, आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। पाकिस्तान में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट रीजन्स हैं और उन डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज़ हैं। वो ट्रीज़ कौन कौन से रीजन में कौन कौन से ट्रीज़ हैं उनको कवर करेंगे। फर्स्ट वी विल सी नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। हम उसमें देखेंगे कौन से ट्रीज़ हैं, उसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड हेयर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम आर ड्योडार ट्रीज़, फायर ब्लू पाइन एंड स्प्रूस ट्रीज़, स्नोबर ट्रीज़। यहाँ पे जो हाई क्वालिटी ट्रीज़ हैं उसमें ओक, वॉलनट एंड चेस्टनट ट्रीज़ आर फाउंड इन अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है ये वाले दरख्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। मरी, एबटाबाद, मानसेहरा, चित्राल, सवात और दीर ऐसी जगह हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में जो दरख्तों से भरी हुई हैं। मेन पाकिस्तान में जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे ये दरख्त हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब है जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, जहाँ पे हरियाली रहती है। सेकंड जो एरिया है पाकिस्तान का, फुट हिल एरिया है। फुट हिल एरिया में कौन से आ जाते हैं, पिशावर, मर्दान, कोहाट, ये वाले सारे एरिया जो हैं वो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ के हैं, खुश्क पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पे जो ज़्यादातर दरख्त हैं वो कौन कौन से हैं, फुलाई, काओ, जंड, वाइल्ड ओलिव्स एंड ब्लैकबेरी। यहाँ पे ज़्यादातर ये दरख्त पाए जाते हैं क्योंकि खुश्क पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो दरख्त पाए जाते हैं वो दरख्त होते हैं जिनको पानी की कम ज़रूरत होती है। कोयटा और कलात जो थर्ड वन है, कोयटा और कलात डिवीजन, कोयटा और कलात जो बलूचिस्तान में है, यहाँ पे ज़्यादातर खुश्क झाड़ियाँ हैं क्योंकि बारिश कम होती है। बारिश कम होने की वजह से यहाँ पे खुश्क झाड़ियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे जो दरख्त हैं वो पाइन नस्ट, ब्लैक बेरी, पॉपुलर ट्रीज दरख्त का नाम है और माजो ट्री जो है वो ज़्यादा होते हैं। फोर्थ वन हम देखेंगे, देर आर सम फॉरेस्ट इन प्लेन एरियाज़। प्लेन एरियाज़ मतलब जो मैदानी इलाके हैं, जहाँ पे ना पहाड़ियाँ हैं ना जहाँ पे हिली स्टेशंस हैं, बल्कि मैदान है वहाँ पे। वहाँ पे कौन कौन से दरख्त पाए जाते हैं, वहाँ पे शीशम के दरख्त हैं, पॉपुलर के दरख्त हैं, मलबेरी, सुंबल, जामन जो मतलब हम खाते हैं, जामन, ब्लैक प्लम जिसको कहा जाता है, द्रेक, यूकलिप्टस ट्रीज़, ये ज़्यादा पाए जाते हैं। द्रेक मतलब नीम के जो दरख्त होते हैं। और वो एरिया जहाँ पे यहाँ पे जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, उसमें कौन सा है, छांगा मांगा। छांगा मांगा जंगल जो है वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाया गया है, क्यों इस चीज़ के लिए बनाया गया है कि पाकिस्तान में दरख्तों की तादाद बहुत कम है। टोटल जो एरिया कवर होना चाहिए किसी भी मुल्क का वो 25% ऑफ लैंड कवर्ड होनी चाहिए फॉरेस्ट से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान 4% से भी कम पे है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए छांगा मांगा का जंगल बनाया गया था। इट्स नॉट अ नेचुरल फॉरेस्ट, इट्स एन आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। इसके अलावा चीचावतनी, खानीवाल, टोबा टेक सिंह, बहावलपुर, तोनसा, सक्कर, कोटरी एंड गुड्डू, यहाँ पे ये प्लेन एरियाज हैं। यहाँ पे ये पहाड़ी एरिया नहीं है, पानी भी थोड़ा यहाँ पे कम है। दीज आर द फॉरेस्ट ऑफ बेला अलॉन्ग द रिवर्स। दरियाओं के पास जो दरख्त हैं उनको बेला फॉरेस्ट कहा जाता है। अदर देन दीज फॉरेस्ट ट्रीज कैन बी सीन अलॉन्ग द नेशनल हाईवेज एंड कनाल्स, जो नहरों के पास, जिस तरह लाहौर में जो नहर है उसके पास बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, या हाईवेज के पास ज़्यादा दरख्त उगाए जा रहे हैं या लगाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली पाकिस्तान में दरख्तों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए बेस्ट है, दूसरा अगर आपका एरिया दरख्तों से नहीं भरा होगा या 25% से कम होगा, बारिशें कम होती हैं, दरख्त बारिश लेकर आते हैं, बारिशें कम होती हैं, तो ओवरऑल आपके क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन में, फॉरेस्ट में। इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं, हम देखेंगे कि फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी हैं। फॉरेस्ट इसलिए ज़रूरी हैं कि जो नॉर्दर्न माउंटेन एरियाज हैं
वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, उस बारिश की वजह से दरख्त ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन जिस जगह पे बारिशें कम हैं वहाँ पे दरख्त इतने ज़्यादा नहीं हैं। बारिश जो मेन किस वजह से होती है, दरख्तों की वजह से होती है। जब दरख्त नहीं होंगे तो बारिशें नहीं होंगी। माउंटेन एरियाज़ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, इसलिए वहाँ पे दरख्त ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान में एनर्जी रिसोर्सेज कम हैं और एनर्जी रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए लकड़ी काटी जाती है, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो जब लकड़ी काटी जाती है तो उसकी जगह नए दरख्त नहीं लगाए जाते। तो जब आप दरख्त काट लें और उसकी जगह नए दरख्त ना लगाएं तो भी आहिस्ता आहिस्ता दरख्त कम होना शुरू हो जाते हैं, जंगल कम होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा दरख्तों से या जंगलों से जो लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, उस लकड़ी ली जाती है उससे उसको बिल्डिंग्स में, फर्नीचर वगैरह में यूज़ किया जाता है, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। स्पोर्ट्स जो गुड्स बनाई जाती हैं, जो लकड़ी से स्पोर्ट्स बनाई जाती हैं, हॉकी हॉकी हो गया या बैट हो गया, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं स्पोर्ट्स का, जितना भी सामान है वो लकड़ी से बनता है, तो इसके लिए दरख्तों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो जंगल की वजह से क्लाइमेट है उस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जंगल होंगे, बारिशें होती हैं, बारिशों की वजह से मौसम अच्छा हो जाता है। गर्मी का जैसा हम सुन रहे हैं कि जो वेदर कंडीशंस हैं, क्लाइमेट कंडीशंस हैं, वो बहुत ख़राब होती जा रही हैं। तो बेसिक रीज़न ही इसका ये है कि टेक्नोलॉजी की वजह से गैसेस बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही हैं, और दूसरा ये कि वेजिटेशन फॉरेस्ट इतने ज़्यादा नहीं हैं। 6th1 फॉरेस्ट और ऑल्सो सोर्स ऑफ रेन, अगेन बारिशें होंगी, दरख्त होंगे तो बारिशें होंगी, और बारिशों की वजह से फसलें जो क्रॉप्स वगैरह हैं उस पर भी बहुत अफेक्ट पड़ता है। द रूट्स ऑफ द ट्रीज कीप द सॉइल इंटैक्ट, जहाँ पे जरखेज़ ज़मीन होती है वहाँ पे दरख्त ज़्यादा लगाए जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जो दरख्तों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं। जहाँ पे दरख्त नहीं होते, बारिशें होती हैं, तो वो जो जरखेज़ मिट्टी होती है जो फसलों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो बह के समंदरों और दरियाओं में चली जाती है। इसका ये नुकसान होता है दरख्त ना होने का। इफ़ देर आर नो फॉरेस्ट, रिवर्स वॉश अवे विद दैम अ ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ सैंड एंड सॉइल। वही बात कि अगर दरख्त नहीं होंगे तो बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा जो अच्छी मिट्टी है जो फसलों को ग्रो करने में मदद करती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बारिशें दरख्त होंगे, बारिशें होंगी तो डैम्स में पानी की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी। पानी की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो हम पानी को यूज़ करते हैं मेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो पानी होगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकेंगे, डैम होंगे पानी की ज़रूरत को पूरा कर सकेंगे। उसके अलावा जो ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी को ख़त्म करने के लिए। वाटर लॉगिंग, सेलिनिटी का मतलब होता है सेमोथोर का मसला। थोर होता है ज़मीन में पानी बहुत ज़्यादा नीचे चला जाना, और सेम का मतलब होता है ज़मीन में पानी की मकदार का बहुत ज़्यादा हो जाना। आपने अक्सर देखा होगा अपने घरों में भी कि दरख्तों पर या साइड सॉरी दीवारों पर साइड पर हमें पानी आ जाता, तो हम कहते हैं सेम हो गई है। और सेम होता है उस जगह पर पानी की क्वान्टिटी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो जो दरख्त होते हैं वो उस चीज़ को कवर करके रखते हैं। इसके अलावा जंगलों में मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, उन जड़ी बूटियों की वजह से बहुत सी अद्वियात बनाई जाती हैं, मेडिसन्स बनाई जाती हैं। फॉरेस्ट टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, पैसा आता है उसकी वजह से। इसके अलावा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर हम जंगलों को काट के ले जाएंगे तो अगर हम जंगलों को काट देंगे तो वाइल्ड लाइफ भी चली जाएगी। जो जानवर हैं वो इसी वजह से होते हैं कि वहाँ पे एक प्रॉपर इकोसिस्टम होता है, अल्लाह ताला ने एक बनाया होता है। तो अगर दरख्त काट दिए जाएंगे, जंगल ख़त्म कर दिए जाएंगे, तो इकोसिस्टम ऐसा आहिस्ता ख़त्म होने लग जाता है। फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट फॉरेस्ट हमें मुख्तलिफ फल मिलते हैं। इसके अलावा इकॉनमी, पाकिस्तान की इकॉनमी को ग्रो करने के लिए या किसी भी मुल्क की इकॉनमी को ग्रो करने के लिए दरख्तों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा सिल्क जो इंडस्ट्री है, कोकोन इंडस्ट्री है, वो प्रॉपर जो दरख्त लगाए जाते हैं, शीशम के दरख्त लगाए जाते हैं, उससे सिल्क लिया जाता है। रॉ मटेरियल ऑफ पेपर एंड कार्डबोर्ड इंडस्ट्री इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रीज़। दरख्तों से मुख्तलिफ जो है वो दरख्तों की छाल से पेपर बनाया जाता है, कार्डबोर्ड बनाया जाता है। ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फॉरेस्ट को, वेजिटेशन को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, और जो फॉरेस्ट्री का डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कोशिश कर रहा है कि दरख्त लगाए जाएँ, दरख्तों को काटा ना जाए, और अगर दरख्तों को किसी पर्पज़ के लिए काटा जा रहा है तो उनके जगह नए दरख्त लगाए जाएँ, ठीक है। आप आज हमने टॉपिक कवर किया है, इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज आपने सिर्फ लेक्चर को सुनना है, ठीक है। हैव अ नाइस डे।